गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी के लिए हम चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें, लास्ट क्लास में हमने ईडी करंट यानी भंवर धाराओं के बारे में अध्ययन किया था। भंवर धाराएं क्या होती हैं, एक बार वापस से हम बात कर लेते हैं कि किसी भी, यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी चालक प्लेट है, ठीक है, ये कोई चालक प्लेट है, इसको अगर आप परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये ABCD मान लिया हमने, ये चालक प्लेट है, इसको अगर आप परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होता है, इसके अंदर से विद्युत धारा जनरेट होने लग जाती है, क्योंकि इसके फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इससे क्या होगा, इसमें विद्युत धाराएं जनरेट होती रह जाएंगी। अब देखिएगा, ये विद्युत धाराएं हैं, ये जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो वेव जनरेट होती है, उसी प्रकार की विद्युत धाराएं होती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं बोलते हैं। ठीक है, तो भंवर धाराएं क्या होती हैं कि किसी भी मेटेलिक शीट को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस सीट के अंदर विद्युत उत्पन्न हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईडी करंट यानी भंवर धाराएं बोलते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, और आज का टॉपिक है प्रेरकत्व। ठीक है, प्रेरकत्व क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। अगर बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, चूंकि किसी कोइल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत कुंडली में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का मान कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो फाई है वो किसके समानुपाती होता है, आई के। यानी जैसे जैसे हम करंट का मान बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो यानी फाई का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में जो करंट बढ़ाने पर फ्लक्स के मान में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अब यहाँ पर जो यहाँ समानुपातिक नियतांक नियतांक प्रेरकत्व कहलाता है, यानी यहां पर जो समानुपाती नियतांक होगा, यानी ये सिंबल हटेगा, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे कि फाई इक्वल टू, आप एम को यूज करेंगे या फिर आप एल को यूज करेंगे, यानी एम भी ले सकते हैं या फिर एल भी ले सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रेरकत्व कहलाते हैं। क्लियर, तो इसको आपको नोट नहीं करना इधर वाले को। ठीक है, समानुपाती नियतांक क्या कहलाता है, प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n d5 वो किसके बराबर हो जाएगा, i के। ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनल, अभी हमने नियतांक को यूज नहीं किया है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, जिसको हम एच से लिखते हैं, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। अगर हम इसकी वीमा की बात करें तो वीमा कितनी हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस टू, ये क्या होती है,
प्रेरकत्व की विमा, ठीक है। तो प्रेरकत्व हो गया और प्रेरकत्व की विमा है, उसके बारे में हमें पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, अब आता है आपका मेन अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है, या अन्योन प्रेरण भी बोलते हैं उसको, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अन्योन प्रेरकत्व, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है। मान लेते आपके पास एक ये कोई भी कुंडली है, और इस कुंडली के साथ हमने ये स्विच लगा दिया है, इसके अलावा ये बैटरी जोड़ दी है और एक परिवर्तित प्रतिरोध R जोड़ दिया है, यानी ये RH हो गया, ये V हो गया, ये कुंजी K हो गई, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये P कुंडली है, ठीक है ना, प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली है, और इसी के साथ हमने एक दूसरी कुंडली को जोड़ा है जिसके अंदर क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, और ये हमने एक धारा मापी जोड़ दिया है। क्लियर। तो देखिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, यानी ये प्राथमिक कुंडली है, और ये द्वितीय कुंडली है। तो बच्चों देखिए डायग्राम को वापस से बताते हैं कि ये प्राथमिक कुंडली में क्या है, एक रियोस्टेट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध। बाकी तो आपको पता है ये बैटरी होगी और ये क्या हो गया, कुंजी यानी की हो गया, स्विच हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये दो कुंडली एक प्राथमिक और द्वितीय कुंडली को हम पास पास रखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं, बच्चों जब स्विच ऑन करेंगे, तो जब स्विच ऑफ था इस सर्किट के अंदर जो करंट है आई वो कितना था, शून्य करंट था। तो मैं इसके साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये लिखिएगा, माना दो कुंडली जो प्राथमिक व द्वितीयक हैं, उनमें प्राथमिक कुंडली के अंदर प्राथमिक कुंडली को विद्युत बैटरी कोमा कुंजी व परिवर्तित प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। तथा द्वितीय कुंडली में एक धारा मापी को जोड़ा गया है। द्वितीय कुंडली में क्या जोड़ा है, एक धारा मापी को, ठीक है, इसको P लिखा है, और ये सेकेंडरी। अब बच्चों देखिएगा ये वर्क कैसे करती है, उसके बारे में बात करते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में धारा का मान
शून्य से अधिकतम होता है तो द्वितीय कुंडली में धारा मापी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यानी बच्चों जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं प्रारंभिक इसमें करंट कितना है जीरो, लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें करंट जीरो से और कुछ नियत वैल्यू तक बढ़ता है। नियत वैल्यू तक बढ़ने पर क्या होता है इसकी जो पास में रखी द्वितीय कुंडली है उसके अंदर क्या होता है विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे इसी प्रकार जब कुंडली से धारा कौन सी कुंडली जब पी मान लेते प्राइमरी कुंडली से धारा को अधिकतम से शून्य किया जाता है तो अधिकतम से शून्य करेंगे तो क्या होगा पुनः एस कुंडली यानी सेकेंडरी कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी धारा जब जीरो से बढ़ती है तब भी विक्षेप होता है और धारा जब ज्यादा से वापस से जीरो आती है तब भी क्या होता है विक्षेप होता है। अतः हम क्या बोल सकते हैं किसी एक कुंडली में यानी कौन सी कुंडली पी ली हमने कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसके पास रखी द्वितीय कुंडली यानी एस में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, तो अन्योन प्रेरण यानी अन्य के कारण उत्पन्न। ठीक है, यानी प्राइमरी में अगर हम चेंज करें धारा का मान तो सेकेंडरी कुंडली में अपने आप क्या हो रहा है धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। तो इसका उदाहरण क्या है जो ट्रांसफार्मर है किस पर काम करता है अन्योन प्रेरण, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वो किस सिद्धांत पर काम करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अब देखिएगा अगर हम बात करें अन्योन प्रेरण गुणांक की, इसी का है टॉपिक, तो देखिएगा अन्योन प्रेरण गुणांक बच्चों अन्योन प्रेरण गुणांक को एम से लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम प्राइमरी कुंडली में ठीक है ना फ्लक्स में चेंज करते हैं यानी धारा में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कुंडली में क्या होता है फ्लक्स में चेंज होता है। यानी जो सेकेंडरी कुंडली का फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी कुंडली के अंदर विद्युत धारा के समानुपाती। ठीक है, या फिर फाइ एस इक्वल टू एम आई पी। तो यानी फाई क्या हो गया द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन और आई क्या हो गया प्राथमिक कुंडली में। तो प्रथम कुंडली में अगर प्राइमरी कुंडली में हम धारा मान चेंज करते हैं
तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, एम। तो एम का मान अगर हम बात करें तो एम बराबर कितना हो जाएगा, फाइव एस अपॉन आई पी। इसको क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट तो आपको पता है हेनरी होती है, डायमेंशन भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम फैराडे नियम से इसको, फैराडे के नियम से, बच्चों फैराडे का नियम क्या कहता है कि जो ईएमएफ जनरेट होता है बी सेकेंड, जब करंट जनरेट होगा तो ईएमएफ हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि फाई कितना है, एम आई पी, यहां से हम लिख सकते हैं इसको। तो उस केस में देखिएगा ईएमएफ कितना हो जाएगा सेकेंडरी में, डी अपॉन डी टी। माइनस क्यों लगाया हमने, लेंज के नियम से। ठीक है ना, एम आई पी हमने यहां से वैल्यू रख दी है, या फिर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ई इक्वल टू एम तो कॉन्स्टेंट हो गया, आपके पास क्या बचा, डी आई बी अपॉन डी टी। क्लियर, या फिर एम बराबर कितना हो गया, एम का मान निकालेंगे तो ई अपॉन आई पी इंटू डी टी ऊपर चला गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसी को आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ई अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी। ये और ये एक ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अतः अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक हो, यानी डी आई अपॉन डी टी को मान अगर हम एक मान लेंगे तो अन्योन प्रेरण किसके बराबर हो जाएगा, ई के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा अगर हम बात करें अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो कुंडली में फेरों की संख्या पर। ठीक है, दूसरा कुंडली के क्षेत्रफल पर, के क्षेत्रफल पर। अगर तीसरा बात करें तो माध्यम पर। इन तीन कारणों पर क्या होता है, अन्योन प्रेरण निर्भर करता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, दैट इज स्वप्रेरण। स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए अभी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन प्रेरक के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर दो अलग अलग कुंडलियां होती हैं। ठीक है, स्वय का मीन्स क्या होता है, खुद का यानी अपना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लेते एक कुंडली है इस तरह से, जब इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, खुद का एक विद्युत प्रेरकत्व जनरेट हो जाता है।
उसको क्या बोलते हैं हमें, स्वप्रेरण, ठीक है ना। मैं इसकी लैंग्वेज लिखा हूँ कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के कारण कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि धारा का मान परिवर्तित होता है तो फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अतः किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना कुंडली के विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। इसे स्व प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। इसके क्या कहते हैं, स्व प्रेरकत्व, ठीक है। यानी कुंडली का खुद का अपने अंदर ही क्या होना, यानी ये कुंडली होगी L, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इसको मैथमेटिकली यानी इसके फॉर्मूले की बात करें तो यानी जो फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी का तो कोई रोल है नहीं, सिंगल एक ही कुंडली है, या फाई इक्वल टू एल आई। तो यहाँ पर जो एल है उसी को क्या बोलते हैं, स्व प्रेरकत्व नियतांक। यहाँ एल बराबर क्या होता है, स्व प्रेरकत्व गुणांक। मात्रक किसका क्या होगा, वही हेनरी, चाहे स्व हो या फिर अन्योन हो, दोनों का मात्रक ही क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर यहां से हम बात करें फैराडे के नियम से, बच्चों फैराडे के नियम क्या कहता है कि जो ईएमएफ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी फाई अपॉन डीटी, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, हम लिख सकते हैं कि ई बराबर कितना होगा, माइनस डी अपॉन डीटी। फाई की वैल्यू यहां से रख देते हैं हम, फाई बराबर कितना हो जाएगा, एल आई, यानी एल आई, एल कांस्टेंट है तो ई बराबर कितना हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। तो हम एल से कितना ले सकते हैं, माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, क्लियर। ये क्या कहलाता है, स्व प्रेरकत्व, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको नोट करना, अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।